वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल ओपन ओशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन करने की सिंपल ट्रिक कि कैसे हम उसको फन बना सकते हैं बच्चों के लिए और उनको सिखा भी सकते हैं। तो आइए लेट्स एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, बीइंग अ पेरेंट और अ टीचर, छोटे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न कराना अपने आप में ही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। होता क्या है, बच्चे एक बार टेबल्स को लर्न तो कर लेते हैं बट क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बार बार नहीं होती है तो वो उसको भूल जाते हैं। अब ऐसा क्या सॉल्यूशन हो कि बच्चे उन टेबल्स को इजीली लर्न करें और भूले भी नहीं, और क्योंकि बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है उनके लिए, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो जो कि वो एंजॉय करें और टेबल्स को जल्दी से लर्न भी कर लें और हमारे लिए भी एक टेंशन नहीं हो। तो आज ऐसे ही एक एक्टिविटी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन तंबोला। मल्टीप्लिकेशन तंबोला सिंपल तंबोला गेम की तरह ही खेला जाता है, जिसको हम हाउजी भी बोलते हैं। उसी तरह से इसमें तंबोला बोर्ड होता है, उस पर उसके लिए टोकन्स बनाए जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बच्चों के साथ में जब हम कंटिन्यूटी में या रोज़ाना उसको गेम को खेलते हैं तो वो एक मज़ेदार तरीके से टेबल्स को मेमोराइज़ कर पाते हैं और पेरेंट्स के लिए हेडेक भी नहीं होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, इसको बनाना कैसे है, और फिर एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि इस गेम को खेलना कैसे है। आइए हम मल्टीप्लिकेशन तंबोला बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इसका बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड को बनाने के लिए आपको इस तरह से एक कोई भी फोल्डर लेना है। मैंने यहाँ पर ये एक ओल्ड रजिस्टर का कवर लिया है और उस पर मैंने ये ग्रिड बनाने के एक ग्रिड बनाया था, एक चार्ट पेपर का पीस लगा के। इस चार्ट पेपर पर मैंने सारे टेबल्स लिखे हैं 1 to 11। आप 1 to 11 लिखें, 11 to 20 टेबल्स लर्न कराने, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन टेबल्स को चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इन टेबल्स को लिखना कैसे, एक सीरियल ऑर्डर में लिखना है, जैसे 1 1 1, 1 2 1, 3 1 4। हम आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, आंसर्स हम लोग इसके स्लिप्स में लिखेंगे। यहाँ पर हम केवल मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर लिख रहे हैं, 1 1 1, 2 1 and so on till 1 into 10। ऐसे ही 2 के टेबल के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10। और मैंने यही पैटर्न पूरे 11 के टेबल्स तक चलाया है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन तंबोला। मैं फिर बता रही हूँ कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेबल्स जो भी आपको चाहिए उतनी बड़ी ग्रिड बनाइए, उतने ही टेबल्स लिखिए अकॉर्डिंगली। सेकेंड आते हैं, अब हम इन्हीं टेबल्स के, इन्हीं मल्टीप्लिकेंट्स और मल्टीप्लायर के हमें डिट्टो कॉपी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। तो ये टोकन्स जो है, जैसे 1 3 3, हमने जब ये टोकन्स उठाएंगे, जैसे हम तंबोला में स्लिप्स उठाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर भी जब स्लिप्स उठाएंगे तो हम बोलेंगे 4 1 ज़ा, तो जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो बोलेंगे 4, और हम इस स्लिप को 4 1 ज़ा की जगह पर रख देंगे। आई होप मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि टोकन्स बनाने का क्या तरीका है। 4 1 ज़ा हमने सेम स्लिप लिया है और इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम इन स्लिप्स में लगाएंगे। ये स्लिप्स जो हैं ये हम प्लेयर्स को बांटेंगे, जैसे कि हमारे तंबोला की स्लिप्स होती हैं। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें हर स्लिप में 6 नंबर्स लिखे हैं। आप अपनी स्लिप को छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको जो भी टेबल्स आप लिख रहे हैं, चाहे 1 to 10 लिख रहे हैं या 11 to 20 लिख रहे हैं या जो भी टेबल आपने अपने तंबोला स्लिप में लिखे हैं, बोर्ड में गेम में लिखे हैं, उन्हीं के आंसर्स इन स्लिप्स में होंगे रैंडमली। अब जिस भी प्लेयर के सारे नंबर्स सर्कल हो जाएंगे सबसे पहले कॉल आउट करने पर, वही विनर होगा हमारे इस गेम का। आइए अब इसका एक डेमो देखते हैं। आइए हमारे गेम का डेमो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो अकेले ही शूट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ फिक्टिशियस प्लेयर्स लिए हैं जिनका नाम है अर्नव, बॉबी, कैथरीन और डॉली। इस गेम को खेलने के लिए मिनिमम 3 प्लेयर्स चाहिए, 2 जिसमें कि खेलने वाले हों जिनके पास में ये स्लिप्स हों, और 1 जो कि इन टोकन्स को उठाकर कॉल आउट करेगा और इस बोर्ड गेम को मेंटेन करेगा, मतलब इसमें कॉल आउट करेगा। अब हमने सबसे पहला टोकन उठाया 1 3 ज़ा, तो आप सभी प्लेयर्स से पूछे 1 3 ज़ा क्या होता है। 1 3 ज़ा 3, सभी लोग ने बोलेंगे हमने ये टोकन यहाँ रख दिया। इसके बाद में हम लोग सभी के स्लिप्स में ढूंढेंगे कि 3 किस किस के स्लिप में आया है, 3 किस किस के स्लिप में है, किसी के भी स्लिप में नहीं है। अब हम इसका नेक्स्ट स्लिप उठाते हैं तो हमारा स्लिप है 4 3 ज़ा।
फोर थ्रीजा आप सभी प्लेयर से पूछे, फोर थ्रीजा 12, तो 12 जब सब लोग बोलेंगे बार 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 इसी तरह से रिपीटिशन होगा आपके आंसर्स का, तो बच्चे जो हैं टेबल्स को रिवाइज कर पाएंगे। अब हम लोग 12 को ढूंढ लेते हैं जल्दी से। ये कैथरीन की स्लिप में मेरे को मिल गया है 12, तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। इसके बाद में और किसी के स्लिप में नहीं है, और देखते हैं 11 थ्रीजा, मेरा स्लिप है 11 थ्रीजा, तो 11 थ्रीजा 33, 11 थ्रीजा 33 जब सब लोग फिर से कॉल आउट कर रहे हैं। अब हम 33 को ढूंढते हैं, 33 फिर मुझे नहीं मिला है। शफल कर लेते हैं इन नंबर्स को। 6 फोरजा, माई स्लिप इज 6 फोरजा, तो 6 फोरजा 24। अब हम लोग 24 लुकआउट करते हैं। 24 एक तो मुझे मिला है अर्नव की स्लिप में, ये मैंने सर्कल कर दिया। इसके बाद में 24 है कैथरीन की स्लिप में, ये मैंने सर्कल कर दिया, और किसी की स्लिप में नहीं है। अब आप देख सकते हैं बॉबी और डॉली की स्लिप में एक भी नंबर सर्कल नहीं हुआ है, अर्नव की स्लिप में एक सर्कल हुआ है, और कैथरीन की स्लिप में 2 नंबर सर्कल हुए हैं। इसी तरह से चलते चलते जो है जिस भी प्लेयर की स्लिप में सारे नंबर्स जब सारे सर्कल हो जाएंगे तो वो विनर होगा। और इसमें मैंने क्योंकि एक ही लाइन में नंबर्स लिखे थे, तो ये थोड़ा सा इसमें आपके पास में वैरायटी नहीं रहेगी तंबोला की तरह। आप इसमें बहुत सारे नंबर्स उसी पैटर्न से स्लिप बना सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल तंबोला गेम में बनाते हैं, और वो जो फोर कॉर्नर्स और फुल हाउस इस तरह के गेम्स आप अपने आप इन्वेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये डेमो क्लियर हुआ। आशा करती हूँ आपको ये गेम पसंद आया होगा, और आप अपने बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को ज़रूर खेलेंगे, और टेबल्स लर्न करने जैसी मोनोटोनस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये वीडियो, और आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे ये तंबोला ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन अपने बच्चों के साथ। तो घर पर रहें, सेफ रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल ओपन ओशन, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें बताएं कि और हम कैसे वीडियोस आपके लिए ला सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।